सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है महाशिवरात्रि, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये महाशिवरात्रि में बाबा मंदिर में जाने के लिए भक्तों का लाइन है। तो इस व्लॉग में आपको पूरा मंदिर का लाइन दिखाऊंगा, कैसे कितना मुश्किल से जल ढालना पड़ता है बाबा के ऊपर। तो बने रहिए व्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पास पहुंच चुके हैं, ओवरब्रिज वाली लाइन में, ओवरब्रिज में पहुंच चुके हैं। और अभी 8 बज गए, 4 बजे लाइन लगे थे। ये हमारे कुछ मित्र जन आए हैं बाहर से बाबा के दर्शन करने के लिए। हेलो, और हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं बाबा के दर्शन के लिए। अच्छा, एक बार नारा लगा दो। फाइनली हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए हैं। हम लोग मंदिर जा रहे हैं। बोल बोल मंदिर पर गुजरने वाले हम लोग। सुबह हम लोग 4 बजे लाइन में लगे थे और फाइनली अभी 12:30 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं।
बाबा मंदिर यहाँ पहुँचने वाले थे। मंदिर बस थोड़ी देर में मंदिर पहुँच जाएंगे और हम लोग जल अर्पण करेंगे। हम लोग जल्द ही बाबा को जल डालेंगे। हर हर आधा घंटा लग सकता है लेकिन अभी 1 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे यानी सुबह। और आवाज़ हम लोग का चल जा चुका है और सुबह 4 बजे चढ़े स्टार्ट किए थे हम लोग लाइन में और अभी 1 बज रहा है। शॉर्टकट मारने पर शॉर्टकट थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट मारे और शॉर्टकट नहीं मारते तो फिर पता नहीं शाम हो जाता। बहुत ज़्यादा भीड़ है आज महाशिवरात्रि में तो चलिए। और एक इनारा एक इनाम। जय श्री राम जय श्री राम। फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं पूजा करके निकल गया हूँ बाहर और बहुत ज़्यादा भीड़ है। पूरा भीग गया हूँ मैं और मैं अपने फ्रेंड्स लोग को ढूंढ रहा हूँ कहाँ है वो लोग। और फिर यहाँ पे शिव जी के मंदिर में पूजा हो गया और अभी पार्वती मंदिर जाएंगे और फिर वहाँ पे पूजा करेंगे। तो चलिए चलते हैं और ढूंढते हैं लोगों को कहाँ पे है सारे लोग। और पूजा करके तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है। लगभग 10 घंटे लाइन में लगे तब हम लोगों को पूजा करने मिला है।